बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमसे जुड़ने के लिए भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर एक दिया है कि नागालैंड भारत का विविधता राज्य कब बना, तो ये आंसर होगा कि 1963 ईस्वी में बना। और क्वेश्चन नंबर दो, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर तीन, मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा असम। और क्वेश्चन नंबर चार, कंचनगंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम में स्थित है। कंचन जो बहुत ही फेमस पर्वत है, कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। और चलिए, और यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी सीरीज़ में हम लोग जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ पर देखेंगे, तो हमसे जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमको 5 आ गया है कि सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पे, तो हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है कि घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है, तो हमारे घरेलू उपयोग में चीनी में क्या पाया जाता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, सुक्रोज। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया हमको स्क्रीन पे कि प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन है, तो आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के। तो दादा साहब फाल्के भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के जो पहला फिल्म निकला था राजा हरिश्चंद्र, उसके निर्माता थे। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 आ चुका है कि किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, तो भविष्य में जो हमें धातु मिलने वाली है, जो सबसे महत्वपूर्ण धातु यहाँ पर भविष्य में हमको मिलेगी, और भविष्य की धातु किसे माना गया है, तो है टाइटेनियम। टाइटेनियम जो बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा धातु है, वो हमें भविष्य में मिलेगी। और चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आ गया हमारे स्क्रीन पे, तो ये भी देख लेते हैं। लिख रहा है कि भारत के लिए वैश्विक अभिनव की सूचकांक की रैंक क्या है, तो भारतीय सूचकांक की रैंक 57 है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने आ चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 10, झीली दल बिहोरा ने कांस्य पदक किस क्षेत्र में जीता है, तो यह भरतोन क्षेत्र में क्या है, पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है हमारी स्क्रीन पे, तो लिख रहा है द अंग्रेजी पेशेंट पुस्तक के लेखक कौन है, तो द अंग्रेजी पेशेंट पुस्तक के लेखक है माइकल ओडाटेज। ओडाटेज जी हैं, माइकल ओडाटेज ओडाटेज। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो अभी लाइक कर लें वीडियो को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे स्क्रीन पे दे रखा है कि किस देश ने 17वें विश्व संस्कृति सम्मेलन की नींव रखी है, तो किस देश ने 17वीं जो संस्कृति हुई थी, संस्कृति विश्व संस्कृति सम्मेलन की नींव रखी, तो वह नींव रखी थी कनाडा ने, कनाडा देश है, वो रखी थी नींव विश्व संस्कृति सम्मेलन की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगली तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये आ गया है कि भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत पर्यटन दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा है कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व महासागर दिवस कह सकते हैं कि 8 जून को मनाया जाता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 जून को मनाया जाता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो ये लोग आप अच्छे से देख लेंगे। और हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक करें वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए वीडियो को इसी सीरीज़ में बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमको 3 दे रखा है, और एक बार और बता दें कि हमारी नई ब्रांचेज जीके के महत एपिसोड का क्लास चालू होने वाला है, तो उस क्लास से जुड़ने के लिए अभी ज्वाइन करें हमारा यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब करें और विजिट करें चैनल पे जाके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, तो क्वेश्चन नंबर अगला हमको दे रखा है कि भारत में तीन सेनाएं, थल सेना और वायुसेना जल सेना, ये तीनों सेनाओं के मुखिया की नियुक्ति कौन करता है, तो
तो जो इसमें जो सबसे मेन होता है, मैनेजर होता है तीनों सेनाओं का, तो उसके तीनों मुखियाओं का मेन जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमको दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ये भी बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो अहिंसा दिवस ये कब लागू हुआ, क्यों लागू हुआ, ये भी कुछ घटनाएं हैं इस पे जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि इस क्रमांक पे मत जाइए आप लोग, क्रमांक इधर उधर कर दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग केवल क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। तो लिख रहा है कि कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। तो कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के उद्देश्य से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। तो जम्मू कश्मीर सिंधु नदी है, सिंधु नदी जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी क्या है, ये केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर हमारे आ चुका है कि पंचांग तथा दुधांग किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो कृष्णा नदी की। तो जो पंचांग तथा दुधांग नदियाँ हैं वो किस नदी से निकली है, तो इसका सहायक नदी का अर्थ यही होता है कि सहायक नदियाँ हैं इनकी किस बड़े महानदी से ये निकली हैं, या इनका उद्गम क्षेत्र किस नदी से है। क्वेश्चन कई तरह से घुमा फिरा के पूछेगा, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर जो है अपना बुद्धि और तार्किक क्षमता से देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है कि किस एकमात्र भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय में नोबल पुरस्कार मिला। तो किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार मिला, तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रो अमृत